Did you enjoy your holidays? वैसे भी holidays ही है पर उसमें भी holidays. Video, no more videos, right? Okay. So today is English time. हमने कहाँ तक किया था? G H I J सब letters तक हमने कर लिया. So आज हम करेंगे letter K and L. तो K से क्या होता है? K का kite, K का kangaroo, K का key. के का कैटल, के का किंग. ओके, सो वैसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. और एल से क्या होता है? एल लेमन. अभी वेजिटेबल्स में आपने देखा ना लेमन. और एल लायन, एल लैम, एल लीफ. ओके, तो आज हम सीखेंगे हाउ टू राइट लेटर के एंड लेटर एल. I and J complete. Now K. K का kangaroo. K का kangaroo. Kangaroo को यहाँ पे पाउच होता है, उसके अंदर वो अपने बेबी को रखता है. Kangaroo के बेबी को क्या बोलते हैं? जोई बोलते हैं. फिर K का kite. K का kettle. K का key. K का koala. ओके, तो अभी हम ट्रेस करेंगे के को फिंगर्स से. स्टैंडिंग लाइन, फिर बीच में से एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर, एक स्लैंटिंग लाइन नीचे. स्टैंडिंग लाइन, एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर, एक स्लैंटिंग लाइन नीचे. ओके, भी यहां पे हम ट्रेस करेंगे. सबसे पहले रेड लाइन टू ब्लू लाइन स्टैंडिंग लाइन, फिर फर्स्ट ब्लू लाइन से एक स्लैंटिंग लाइन रेड लाइन को टच करेंगे और दूसरी स्लैंटिंग लाइन ब्लू लाइन को सेकंड ब्लू लाइन पे टच करेंगे. रेड टू ब्लू स्टैंडिंग लाइन एंड बीच में से टू स्लैंटिंग लाइन. क्या करना है? सबसे पहले रेड लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, फिर यहां पे ये जो लाइन है वहां पे पेंसिल रख के एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर, एक स्लैंटिंग लाइन नीचे. रेड टू ब्लू स्टैंडिंग लाइन, एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर की लाइन को टच करेंगे, दूसरी स्लैंटिंग लाइन यहां नीचे. ऐसे करके ऐसे ऐसे कुछ नहीं करना है. ओके, के का कांगरू, के का काइट, के का किंग, के का कैटल, के का की. तो आपको भी के का कांगरू यहां पे कंप्लीट करना है और नीचे यहां पे के ऑब्जेक्ट्स दिए हैं विथ स्पेलिंग, उसमें के मिसिंग है तो हम उसके आगे के लिखेंगे. कैटल, कोआला, फिर काइट, की, किंग एंड लास्ट कांगरू. नाउ ये हम बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे एल लायन. एल लायन, लायन की बेबी को क्या बोलते हैं? कब. एल लैम्प, एल लेडर, एल लिजार्ड. आपके घर में होती है लिजार्ड? एल लैम्ब. ओके, तो एल तो एकदम इजी है. क्या करेंगे? सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन. ओके, तो यहां पे हम ट्रेस करेंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, रेड लाइन टू ब्लू लाइन स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन. चलो रेड टू ब्लू स्टैंडिंग लाइन करना है और स्मॉल स्लीपिंग लाइन. रेड टू ब्लू स्टैंडिंग लाइन एंड ब्लू लाइन के ऊपर ही स्मॉल स्लीपिंग लाइन.
ये स्लीपिंग लाइन इतनी स्मॉल ही रखना, मतलब बड़ी मत कर देना ऐसी. ओके, रेड टू ब्लू स्टैंडिंग लाइन एंड स्मॉल स्लीपिंग लाइन. एल लायन, एल एल लीफ एंड एल लैम्प. ओके, तो आपको ये पेज ऐसे ही कंप्लीट करना है. अभी यहां पे भी एक एक्सरसाइज है, यहां पे कुछ लीफ दिए है, एल लीफ होता है ना, तो ये लीफ दिए है उस, तो यहां पे कुछ लीव्स दिए है, राइट, तो उसका शेडो है सेम, तो उसको हम उसके साथ मैच करेंगे. ये लीव्स का ये शेडो है, ये लीफ का ये शेडो है. ओके, इसका यहां पे तो, और इसका ये रहा, तो यहां पे आपको ऐसे मैच करना है. नाउ नोटबुक में हमने आई जे फिर ए टू जे लिखा, अभी हम लिखेंगे के. के का काइट, रेड टू ब्लू स्टैंडिंग लाइन, फिर ब्लू लाइन पे पेंसिल रख के एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर एक स्लैंटिंग लाइन नीचे, रेड टू ब्लू स्टैंडिंग लाइन, एक स्लैंटिंग लाइन रेड लाइन को टच करेंगे, दूसरी स्लैंटिंग लाइन ब्लू लाइन पे. ये स्लैंटिंग लाइन भी थोड़ी स्मॉल ही करना, इतनी बड़ी बड़ी मत कर देना. ओके, सो के का कांगारू, के का काइट, के का कैटल. तो आपको भी ऐसे के लिखना है. नाउ एल, एल लायन, रेड टू ब्लू स्टैंडिंग लाइन और ब्लू लाइन के ऊपर ही स्मॉल सी स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन. एल लीफ, एल लेमन, एल लायन. तो ये एल कंप्लीट करना है, और जैसे ही हमने आगे ए ए से जे तक लिखा है वैसे ही आपको ए टू ए से एल तक लिखना है. ओके, ए टू एल, राइट, तो ए टू एफ और ए टू एल बोल के ही लिखना है. ऑलवेज से एंड राइट, ए अ एप्पल, बी ब बॉल, सी क कैट, बी द डॉग, ई ए एलिफेंट, एफ अ फिश, जी ग ग्रेप्स, एच ह हाउस, आई ई इग्लू, जे ज जोकर, के क काइट, एल लायन. तो ऐसे ही बोल के ही पूरी लाइन कंप्लीट करनी है. ओके, बाय.